क्या गांधी साहब, ये छोटी मोटी स्टोरी डाल के आप क्या डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या छोटा मोटा बच्चा यूट्यूबर समझा हुआ है क्या? गुरु जी मेरे बाप की उम्र के बाप आदमी है, नॉलेज में, ताकत में और पेशेंस में। तो भाई जब से झगड़े का पता चला है, तलवार उलवार अभी इसको धार करवाने के लिए ले जा रहा हूँ, और ये अम्मी जान से वो मंगाया है। तरुण गिल के ऊपर लगे हुए मानहानि केस का उन्होंने क्या रिप्लाई किया, इसकी कंप्लीट अपडेट हम लेके आ चुके हैं। एंड सिद्धांत जायसवाल ने मुकेश सिंह गहलोत के सपोर्ट में क्या कहा, इसको भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले बॉडी बिल्डर हैं मनोज पाटिल। मनोज पाटिल अपने रिसेंट फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं और वो हमको बताते हैं वो 20 वीक्स आउट है अपने नेक्स्ट शो से। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनोज पाटिल मुंबई प्रो शो में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप लोगों को मनोज पाटिल की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है, क्या मनोज पाटिल जब अपने इस फिजिक में और भी ज्यादा मसल मास ऐड कर लेंगे, अपनी बॉडी में थिकनेस ले आएंगे, तो क्या ये मुंबई प्रो शो को जीत के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है अभिषेक यादव कॉम्पिटिशन के बाद उन्होंने पहली बार फिजिक अपडेट शेयर करते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं और यहाँ पर अपना वो मिड सेक्शन एंड अपने कंडीशन शो कर रहे हैं। तो दोस्तों अभिषेक यादव के इस कंडीशन को देख के क्या लगता है, क्या अभिषेक यादव अपनी कंप्लीट बॉडी में और भी ज़्यादा मसल मास ऐड करके आएंगे? क्योंकि जब ये इस बार सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट किए हैं और जो इनकी प्लेसिंग फोर्थ आई थी, उसका एकमात्र रीज़न यही था कि इनकी बॉडी में वो मसल मास नहीं था जिसके कारण से ये सेरू क्लासिक हार गए। तो आप लोग क्या लगता है, क्या अगली बार अभिषेक यादव मुंबई में जो कॉम्पिटिशन होने वाला अमेचर ओलंपिया, तो क्या वो उसमें प्रो कार्ड जीत पाएंगे कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है अंकुर शर्मा। अंकुर शर्मा ने भी सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट किए थे क्लासिक डिवीजन से और वो टॉप 5 में नहीं आने का उन्होंने क्या रीजन बताया, तो उसको सुन लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने हूँ। एक्चुअली सेरू क्लासिक से एक दिन पहले मेरे बेटे को पेंक्रियास में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, उसे आईसीयू में इमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा था। वो बहुत टफ टाइम था। इस टफ टाइम में भी आप लोगों के मैसेजेस मेरे तक आते रहे, मेरे को मोटिवेट करते रहे आप लोग। ये आप लोगों का प्यार ही था कि मैं सेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट कर पाया। जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिखाया, मेरे को मोटिवेट किया, मैं दिल से आप लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे मैं और बेटर कम बैक करूंगा, ये अभी शुरुआत थी। हमारे नेक्स्ट बॉडी बिल्डर है रोहित खत्री। रोहित खत्री ने रिसेंट कंट्रोवर्सी के विषय में क्या कहा, तो उसको सुन लेते हैं। फिर उसके बाद सिद्धांत जायसवाल ने मुकेश सिंह गहलोत एंड इनडायरेक्ट रूप से तरुण गिल के विषय में क्या कहा, इसको देखेंगे। ये वीडियो हमारी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए है। हमारे इंडियन बॉडी बिल्डिंग में इतनी ज्यादा हेट है एक दूसरे के लिए कि हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगा हुआ है। मैं किसी भी एथलीट, किसी भी बॉडी बिल्डर या किसी भी प्रोफेशनल एथलीट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बट आप लोग एज ए ऑडियंस जो लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे? क्या वो अच्छे से इस फील्ड में जाना चाहेंगे? क्या वो अच्छी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहेंगे? ये सब देख कर क्या हो रहा है ये सब? तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, आप अपने खुद पर ध्यान दो भाइयों। ये सब होता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। गुरु जी मेरे बाप की उम्र के बाप आदमी हैं, नॉलेज में, ताकत में और पेशेंस में। उनको किसी की ज़रूरत नहीं, और उनसे हमेशा सीखने को मिलता है। सीखने वाले वो स्टोरी भी डालते हैं और पोस्ट भी डालते हैं और अपने एक्शन से भी सिखा देते हैं। देखा ना आपने, अगला बंदा कितना उनको प्रोवोक कर रहा था, कितना वो कर रहा था। कोई भी इंसान रहता दूसरा भड़क जाता, हाँ अभी इसको बताता हूँ, अभी ये करता हो। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब अगर आप क्लीन हो ना, तो आपको सच्चाई देने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ सीखने को मिला मुझे गुरुजी से। और ये बोलते ना, बाप बाप होता है, क्योंकि बाप अपने से ज़्यादा दुनिया देखा रहता है। तो बाप आदमी है और सिखा दिए कि हर समय हर चीज़ का आंसर देने की ज़रूरत नहीं,
अपने आप सब चीज़ का आंसर मिल जाता है और मिल गया आंसर, धन्य है सर आप। मैं खेलने को खेल सकता हूँ बट इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। मतलब जैसे अभी मैं, मेरा प्लान है कि पूरा ये साल अच्छे से ऑफ सीजन करके और बैक जो है, बैक में मुझे जो है विड्थ और चाहिए, थीकनेस और चाहिए। तो एक्साइटमेंट तो अच्छी चीज़ है कि नहीं पता नहीं, मतलब मज़ा आता है, एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटमेंट में मैं खेल तो लूँगा बट इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊँगा। प्रैक्टिकल अगर सोचोगे ना तो इम्प्रूवमेंट होने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब ढंग से ऑफ सीज़न करूँगा और इम्प्रूवमेंट करूँगा, उसके बाद कट डाउन करूँगा, फिर मैं स्टेज पे उतरूँगा। तो उसके लिए ये 23 तो मेरा निकल ही जाएगा, 24 में ही मैं कॉम्पीट करूँगा और अच्छे से आप लोगों को स्टेज पे दिखूँगा। उसके पहले जम के मेहनत। जब से ये अपना लाइव वाला जंग हारे हैं सर हमारे, तब से बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा एडवाइस दिया या बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि यार आपको कोई ऐसे फंसा देगा तो क्या करोगे, आपको कोई वैसे कर देगा तब, आपको कोई नॉर्कोटिस में फंसा देगा, आपको कोई ये केस में, तो कोई लड़की में, तो इसमें कोई यहाँ कमेंट कर रहा है, कोई DM कर रहा है, कोई Q&A में पूछ रहा है। तो कोई टेंशन नहीं है यार। देखो एक्चुअली क्या है ना कि चीचा अकेले हैं नहीं, चीचा के पीछे एक लोग और हैं, तो सारे के सारे लोग मिल के सब चीज़ें करने के पीछे में है। बट मैं अपने काम में, अपने चीज़ों में बिज़ी हूँ, बाकी जो सब चीज़ें आएंगी देखा जाएगा। और कुछ ऐसा होगा तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि पता है कि बिहाइंड द सीन कौन रहेगा, तो कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात मत हो जाना, जस्ट वेट करना क्लैरिफिकेशन का एवरीथिंग। चलो ठीक है, बाय। तो भाई जब से झगड़े का पता चला है, तलवार उलवार अभी इसको धार करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। You very chalak bro. और ये अम्मी जान से वो मंगाया है, डंडा मंगाया है। खोलो यार इसको, खोलो। देखो हम पूरा प्रिपेयर रहेंगे। एक बेसबॉल वाला भी ऑर्डर कर देना, उसको गाड़ी में रख देंगे। अरे कहाँ है डंडा, कहाँ है डंडा? यार झगड़ा हो गया, तुम डंडा छुपा के रख ली। अरे ये आया देखो, अब यही से जो है ना यार, पिटैया पिटैया पिटैया, जब जौन झगड़ा करेगा इसी मारेंगे इसको। ये रहेगा मेरी गाड़ी में, और भी ऑर्डर किए, और आएगा बेसबॉल आएगा, सब आएगा। यच हम और डस्टी मिलके झगड़ा करेंगे। अबे डर रहे हो तुम, कैसे यार, कैसे दोस्त हो यार? हाँ तुमको मारने के लिए थोड़ी ना लाए हैं, दुश्मनों के लिए है ये। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही तरुण गिल की तरफ से, उनके ऊपर लगे हुए डेफेमेशन के केस के विषय में उन्होंने क्या रिप्लाई किया एंड बॉडी बिल्डर के सपोर्ट के विषय में क्या कहा, इसको देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा कि हम जैसे ही बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाले तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्या गांधी साहब, ये छोटी मोटी स्टोरी डाल के आप क्या डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या छोटा मोटा बच्चा यूट्यूबर समझा हुआ है क्या? I come from a family of lawyers and bankers. मेरे फादर ने इतने केस लड़े, इतने लोगों को इंसाफ दिलाना, आप सोच भी नहीं सकते। और आप ये सोचते हो कि आप एक्सटॉर्शन का नकली केस डालोगे, ये करोगे वो करोगे और मैं डर जाऊंगा? Do you even know what extortion is? एथलीट के हक के लिए लड़ रहा हूँ, हक के लिए। जो आपने पैसा लिया है ना, उन्हीं के अकाउंट में वापस जाएगा। आज तक बोला नहीं, आज तक चुप था, तो लोगों ने सोचा रहे तो बोलता नहीं है, लेकिन जब ये तरुण गिल बात करता है ना, जब ये बोलता है, यू हैव नो आइडिया, हिला दूंगा। सच में बहुत ताकत होती है गांधी साहब, बहुत ताकत होती है। आप ये छोटे मोटे लड़कों को, एथलीट को, तो आप हेल्पलेस एथलीट को डरा के, धमका के चुप करा देते हो ओलंपिया का लॉलीपॉप देके, मुझे कैसे चुप कराओगे? आई हैव सो मच, इतनी सच्चाई में ताकत है और इतना कुछ है जो आप देखोगे अगले कुछ दिनों में आने वाला है। आई विल शो यू वॉट द पावर ऑफ ट्रूथ इज, सच्चाई क्या होती है और सच की कितनी ताकत होती है कि वो सब कुछ हिला देता है। इंटरनेशनल स्टेज तक हिला दिया ना, आपके जो जजेस हैं वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं ना, अभी तो ट्रेलर है सिर्फ, सच तो अभी आना बाकी है। जस्ट बोला नहीं तो हल्के में ले लिया क्या? ये गलती मत करना आप। और हाँ, आपको एक लीगल नोटिस भेजा डेफेमेशन का, जवाब जरूर देना। ओहो, मैंने देखा स्टोरी में कि भाई साहब मेरी कॉल रिकॉर्डिंग्स, बेगिंग फॉर अ प्रो कार्ड, सब कुछ सामने आएगा, लेके आओ ना। एक्सटॉर्शन, ये वो, दुनिया भर की चीजें लेके आओ ना। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, बट जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों को पत्थर नहीं मारते। सच्चा हूं, मुझे पता है मेरी क्या हिस्ट्री है। सबसे पहला यूट्यूबर था,
सबसे पहला, जब आपको पता भी नहीं होता था YouTube क्या होता है। और ये जो एक्सपो वाले ना, इनसे पूछना बिफोर एक्सपो ये किसके शो में आए थे 2017 में, पूछना। सच्चे को कोई डर नहीं होता भाई, कोई डर नहीं है। सब मेरी हिस्ट्री सामने है, सबके सामने है। एथलीट के हक के लिए लड़ रहा हूं और उन्हें उनका हक दिला के रहूंगा, विच इज जजेस कांट बी कोचेस, फेयर जजिंग।